आपके किचन में प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय सनराइज किचन। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग सनराइज टीवी। आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल एक नए एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुई है। प्रोग्राम का नाम है आपकी किचन में, आपकी किचन प्रोग्राम जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। बहुत सी डिशेस आपने ट्राई की हैं, आपके लेटर्स, आपके ईमेल मैसेजेस, टेलीफोन कॉल्स के लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े प्यार से इस प्रोग्राम को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। वेल, इसमें हाथ ज़्यादा तो हमारे साथियों का ही है, हमारे व्यूअर्स का ही है, जो अपने में हमें बुलाते हैं और हमें नई नई चीज़ें बनानी सिखाते हैं। तो आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने भी अपने अपने घर में मुझे बुलाया और कहा कि आए सीखे कुछ और सभी को सिखाइए भी। तो आज एक बार फिर से मैं रेखा जी के घर में हूँ। रेखा जी, जिन्होंने हमें जलेबियाँ और पुदीने की चटनी वाले पनीर के पकौड़े सिखाए थे, याद आया? जी हाँ, आपने बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली है। और आपने ये भी चाहा कि हम रिपीट करें, तो टाइम टू टाइम हम उस प्रोग्राम को रिपीट भी ज़रूर करेंगे। लेकिन आज रेखा मेरे साथ हैं, उन्हीं की किचन में मैं खड़ी हूँ। तो रेखा जी से आपकी एक बार मुलाकात कराती हूँ। हाय रेखा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन एट होम। थैंक्स फॉर कमिंग। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यू गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, आई गॉट सच ए गुड फीडबैक कि जलेबियाँ एंड पुदीने की चटनी वाले जो आपने पनीर के पकोड़े बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए। थैंक यू। और एक तो ने मुझे लिखा कि हमारी जलेबी बहुत अच्छी नहीं बनी थी, बट देन फर्स्ट टाइम अगर आप बनाते हैं तो मालूम है ना मेरी कैसे बनी थी। सो तो वो इतनी गंदी बनी थी कि हमने दिखाई नहीं, हमारे एडिटर ने उस पर कैंची चला दी और दिखाया ही नहीं कि सरिता ने भी ट्राई की थी। वैसे इतने बुरे नहीं बने थे, है ना? इतने बुरे तो नहीं थे। अपने आप ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। एनीवे, आज क्या सिखाने वाले हैं? आज मैं सिखाऊंगी बदाना बनाना। बदाना, हाँ, जिसको हम बूंदी भी बोलते हैं जी, वो सिखाएंगे। और उसके साथ सिखाएंगे आलू टिक्की बनाना। आलू टिक्की कुछ अलग तरीके से या? हाँ जी, अलग तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर घर में बेसन में बैटर करके बनाते हैं। या और मैं विदाउट बैटर बनाऊंगी, जस्ट आलू की। जस्ट आलू की टिक्की, हाँ, जैसे कि इंडिया में मिलती है, तवे के ऊपर बनाते हैं। बिल्कुल वैसे, बड़े वाले तवे। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप दोनों चीजें सीखना चाहते हैं, बदाना भी एंड आलू की टिक्की भी, तो हमारा साथ देना पड़ेगा। सुरेखा, पहले हम बनाने जा रहे हैं बदाना। और जिन्हें नहीं पता है बदाना क्या होता है, कि ये छोटी बूंदी होती है और ख़ास प्रसाद के तौर पर ज़्यादा बनाई जाती है। प्रसाद, हम जब मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं, तो प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। और वैसे भी शगुन की मानी जाती है। हाँ जी, जब किसकी शादी हो या सगाई हो, तो उस वक्त बूंदी बन घर में बनती है, मेहमानों के लिए बनती है। हाँ जी, तो कहते हैं ना कढ़ाई चढ़ाई है ना। हाँ जी, कढ़ाई रखते हैं, सबसे पहले मिठाई बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, तो उसमें बूंदी बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं कुछ लोग। हाँ जी। सो बदाना बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर, और सेल्फ रेजिंग फ्लावर के साथ हमें चाहिए लूक वार्म वाटर। जस्ट लूक वार्म वाटर। हाँ जी, और कुछ नहीं डलेगा इसमें। कलर, कलर अगर आप चाहें तो हम ऑरेंज कलर, जैसे मैंने ये बना के रखा है, right, थोड़ा बैटर, और ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। ज़्यादातर शगुन के लिए ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो येलो कलर भी, और एक हमने नॉर्मल जो है प्लेन भी बनाया है। कुछ लोग कलर, कलर नहीं पसंद करते हैं, हाँ जी, एलर्जी होती है किसी को। हाँ जी, तो वो वाइट भी बना सकते हैं। बिल्कुल। ओके, इसका बैटर कैसे तैयार करते हैं? बेसिकली हम लूकवार्म वाटर लेंगे, और उसमें हम सेल्फ रेजिंग फ्लावर डालेंगे, और जितना हमें चाहिए उसको गाढ़ा नहीं करना बिल्कुल भी, और पतला भी नहीं रखना। ठीक ठीक रखना। इसकी कंसिस्टेंसी जैसे जलेबी बनाई थी वैसे? नहीं, इसको हम जस्ट नॉर्मल सा करेंगे, लंपी नहीं होनी चाहिए। जस्ट इसको मिक्स करना है लूक वार्म वाटर से, सेल्फ रेजिंग फ्लावर, एंड एक कप लेना है। तो उसमें कितना पानी डालें? नहीं, ये सिर्फ अंदाजे से, अंदाजे से बनता है, तो अपना अंदाजा लगाइएगा। ठीक है, ये तो बन गया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ओके, सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, और चाशनी के लिए मैंने जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीन एक कप पानी होगा, और 3.5 कप उसमें आप शुगर डालेंगे। कोई तार वगैरह भी देखनी है या जस्ट उसको अच्छे से बॉईल करना है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए? क्लियर हो जाए, फाइन। और ऑयल रखा हुआ है आपने, एंड इससे आप बूंदी बनाएंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, ये इसमें आपने बनाया? हाँ जी, इसको इससे हमने हाथ से, काफी मेहनत का काम है और बड़े एहतियात से बहुत। हाँ जी, नहीं तो अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये जो हमारी बूंदी है अंदर से जुड़ जाएगी,
और वो जाल सा बन जाएगा। फाइन, तो इसे हमने बहुत केयरफुल होके बनानी है। राइट, तो दो जने चाहिए होते हैं कि एक ऊपर से डालते जाए या? हाँ, एक ही बहुत है, एक ही। जैसे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे लेके, हाथ ऐसे लेके पहले थोड़ा टेस्ट करेंगे। तेल इसके लिए काफी गर्म चाहिए। ओके, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा, पर इसमें फिर बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, बनाने को बहुत मेहनत लगती है। जिसके जितने इजी इसके इंग्रेडिएंट है उससे ज़्यादा इसको टाइम लगता है। वाह, अभी उठ रहा है तो हम और डालेंगे। सो एकदम ऊपर उठ जानी चाहिए। छलनी को आपने उल्टा करके हाँ जी हाथ से उसे डालना है। फिर नहीं वो तो जो बूंदी बनाते हैं दही में डालने वाले, वो भी इसी तरह से बिना बेसन, वो हमारा जो बेसन है वो थोड़ा पतला होता है। अच्छा, इससे पतला। हाँ जी। ओके, तो इसको हम शुगर में डालेंगे। स्ट्रेट शुगर में डालेंगे। उसको अच्छे से पका के फिर तो ये ऑल क्लियर हो जाएगा ऐसे। और साथ ही निकाल दें। हाँ जी, फिर हम इसको सूखने के लिए डालेंगे। बड़े प्यार से बनाने वाली चीज़ें हैं। ओके, इसको हिला सकते हैं। बहुत देर तक नहीं पकाना है। नहीं, देर तक नहीं। आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा ऊपर लेके और हाथ से चेक करेंगे, अभी सॉफ्ट है तो ये अभी रेडी नहीं है। अभी रेडी नहीं है। हाँ, हार्ड होना चाहिए। हाँ जी, इसको क्रंची होना चाहिए। या I'm too slow. जलेबी से बेटर रहेंगे। जलेबी से आसान है मेरे हाथ में। हाँ, इसको थोड़ा नीचे रखो। okay. नहीं तो इसका छिट्टा ऊपर आएगा। छिट्टा ऊपर आता है, तो नीचे करके करना। हाँ जी। okay. और बहुत देर नहीं लगती है। नहीं, अगर सब कुछ तैयार है तो बहुत देर नहीं लगेगी। क्योंकि चाशनी में कितनी देर तक रहेंगे? 5-10 मिनट रखेंगे। 5-10 मिनट। हाँ जी, उसके बाद निकाल के फिर सीवर में रखेंगे। हाँ जी, फिर सीवर में डालेंगे। राइट, हमने छाननी में डाला है। नॉर्मली क्या करेंगे, अगर आप बड़ी सी ट्रे लो और ट्रे के नीचे थोड़ा तेल लगा के और उसके ऊपर बदाने को सूखना डाल सकते हैं। राइट, ओके। वेरी इजी, सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो चाहिए आपको सेल्फ रेजिंग फ्लावर और दूसरा शुगर, दैट्स इट, और पानी। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कलर डालना चाहते हैं तो कलर डाल सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर अपने अंदाजे से आपने लेना है, जितना बदाना बनाना चाहते हैं। अगर 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर है तो उसमें आप लुक वार्म वाटर डालेंगे और कंसिस्टेंसी ऐसी होगी कि नॉट टू रनी, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया आपको कि इट शुड बी लाइक दिस एंड नॉट टू थिक एज वेल, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और नॉट टू रनी। और फिर आपने कढ़ाई में ऑयल को गरम करना है बहुत अच्छी तरह से। गरम होने दें कढ़ाई में ऑयल, और दूसरी तरफ आपने शुगर लेनी है। अगर 3.5 कप ऑफ शुगर है तो उसमें सिर्फ 1 ग्लास पानी डालना है और उसकी आपने चाशनी बनानी है। एंड चाशनी ऐसे बनानी है कि वो क्लियर हो जाए बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ भी मैला कहते हैं नॉर्मली वो बबल्स आते हैं वो सब क्लियर हो जाए, तो इसका मतलब कि आपकी चाशनी तैयार है, शुगर की चाशनी। और अब आपने कढ़ाई में जो ऑयल रखा है वो गर्म हो चुका है और बनाना शुरू करना है आपने बदाना। बदाना बनाने के लिए आपने सीवर को, यानी जो भी छलनी लेते हैं उसको उल्टा रखना है। सो आपने जो बैटर बना कर रखा है उसे आपने छलनी के ऊपर डालना है और उल्टी छलनी रखनी है और हाथ से उसे मसलना है। और ये ध्यान रखना है कि छलनी बहुत ज़्यादा ऊँची ना हो, छलनी को भी नीचे कर लें ताकि अगर ऊपर होगी तो आपके हाथ पर ऑयल के छींटे पड़ सकते हैं, जैसे कि मेरे 2-3 पड़े थे। आपने बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना है क्योंकि अगर जल्दी डालेंगे तो वो गुच्छा बन जाएगा। सो मेक श्योर कि वो एक एक ड्रॉप नीचे गिर रहा है ताकि वो अलग अलग बूंदी बदाना जो है वो अलग अलग रहे। वंस आप देखते हैं हाथ से चेक करके कि वो बदाना जो है जब आप फ्राई कर रहे हैं हार्ड हो गया है, देन यू पुट इट इन द जो शुगर की चाशनी बना कर रखी है। थोड़ी देर उसमें रखने, 5-10 मिनट उसमें रखने के बाद आपने उसे निकाल लेना है एंड देन फिर दोबारा उसे ड्रेन करने के लिए आपने सीवर में ही दोबारा रखना है। सुरेखा, इतना अच्छा बना है, इतना शाइनी है, तो इसे आप बनाती रहती, इतनी प्रैक्टिस है आपको? हाँ जी, क्योंकि मेरा काम ही यही है। आपका काम ही ये है कि मिठाइयाँ बनाना। हाँ जी। तो और भी मिठाइयाँ सिखाएंगी नियर फ्यूचर?
हाँ जी क्यों नहीं, आप अगर चाहें तो बर्फ़ी सीख सकते हैं। बर्फ़ी, इनफैक्ट हमें किसी ने लिखकर भेजा था, ईमेल भेजा था, मिस्टर सज्जाद आई थिंक सज्जाद साहब ने, और उन्होंने लिखा था कि हमें बर्फ़ी बनानी सिखाएं, तो वी विल डेफिनेटली कम बैक हियर। तो अब मैं सिर्फ हाथ से एक ही खाने जा रही हूँ, मोटी हो गई, पूरा चमचा लेंगे। वेरी नाइस, क्रिस्पी है, बहुत क्रंची ऐसे है, फिर ये लॉन्गर लास्ट करेगा और फिसेगा भी नहीं, फिसेगा भी नहीं, और अच्छा मीन्स ऐसे दब नहीं जाएगा। हाँ जी, अलग अलग है, यू कैन सी कि एक एक दाना अलग अलग है, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू सो मच, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम सीखने जा रहे हैं आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं, तो तैयार रहिएगा, मेरा साथ देते रहें। आपके किचन में प्रोग्राम ब्रॉट टू यू बाय सनराइज किचन्स।